दोस्तों एयरबैग के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा क्योंकि ये होता है लाइफ सेविंग डिवाइस और आजकल यूज होने बहुत सारे कमाल के फीचर्स में जैसे कि कार्स हो गया, बाइक्स हो गया और आगे हैं साइकिल्स। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं कि हम बात करने वाले हैं इसी एयरबैग के बारे में कि कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम, आप देख रहे हैं टेक्नो फ्रेम सत्यम। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कार में जो एयरबैग होते हैं वो वर्क करते हैं उनके सीट बेल्ट के साथ, क्योंकि दोस्तों जो मोशन ऑफ लॉ तो आप जानते ही होंगे इनर्शिया। दोस्तों जब आपकी गाड़ी जो मूव करती रहती है, जब वो सडनली ब्रेक लिया मारती है या फिर किसी से एक्सीडेंट हो जाती है, जो आपका देह सबसे ज़्यादा आगे पुश होता है तो उसमें जो आपकी सेफ्टी होती है वो तो कर लेता है सीट बेल्ट, पर जो आपका शरीर का सबसे भारी होता है सर, तो वो जो जाके स्टेयरिंग में टकराने से रोकने के लिए उसमें यूज़ होते हैं एयरबैग। तो पर ज़रूरी नहीं कि हर एक गाड़ी में एयरबैग हो, 6 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं। कुछ कुछ कंट्री में तो ये रूल है ही नहीं एयरबैग का, कुछ कुछ कंट्री में रूल होता है कई कई पे चलता है एयरबैग्स। मतलब काम कैसे करता है दोस्तों, ये एक सेंसर्स लगे होते हैं जो आगे होते गाड़ी में, जब सडनली गाड़ी ब्रेक मारते हैं या फिर एकदम से एक्सीडेंट होता है तो फिर वो स्कैन होता है उसमें SRS कंप्यूटर में, उस तो सडनली फिर वो नाइट्रोजन गैस भरता है उस नायलॉन की बैग में, जिसमें आपका जो सर है वो लैंड होता है और आप सेफ रहते हैं, जो आपको ज़्यादा चोट भी नहीं हो लगती। पर आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स आने हैं जो इसमें दिखते हैं कि बहुत सारे एयरबैग आ रहे हैं, जिसमें आते हैं एयरबैग की कर्टन्स, आगे पीछे एयरबैग्स, उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आ रहे हैं, जिसमें अगर आपकी कार एक्सीडेंट होती है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर के वो एयरबैग को फिलअप कर देता है, जिसमें सर है वो उसी में जाके लैंड होते हैं और आपको कोई चोट भी नहीं लगता है। दोस्तों ये तो मैकेनिज्म हो गया एयरबैग के बारे में। दोस्तों ये इन्फ्लेटर होता है जो आपके कार के स्टीयरिंग के अंदर लगा रहता है, जैसी कार क्रैश होती है तो इसमें से जो नाइट्रोजन गैस होता है वो आपके नायलॉन की बैग में फिलअप हो जाता है, जिसमें आपका जो एक्सीडेंट जो ज़्यादा डैमेज होने वाला था उससे आपका जो बॉडी है बच जाता है और बहुत सारे काम में यूज़ होने लगे हैं एयरबैग्स इसमें आजकल। पर ये नहीं कि ये सिर्फ कार में यूज़ हो रहे हैं एयरबैग्स, पर जो आजकल एयरबैग यूज़ होते हैं बाइक्स में भी, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड नहीं है कि बाइक्स में ना यूज़ हो रहे हैं बाइक्स में भी, जैसे आप देख सकते हैं। बट क्या आजकल यूज़ बाइक्स में, साइकिल्स में और ऑटोमोबाइल्स और स्पेस स्टेशंस में भी, जहाँ पे कुछ लैंडिंग पैड के लिए उनको एयरबैग चाहिए होता है, जिसमें वही नाइट्रोजन गैस भरती है और जो नायलॉन की जो बैग है वो उसमें फिलअप हो जाता है। दोस्तों बाइक में आजकल क्या सिस्टम आ रहा है कि उसमें भी सेंसर होते हैं उसके आसपास बाइक के फ्रंट में, जैसी वो मतलब एक्टिवेट तब होते हैं जब आप सडनली ब्रेक मारते हो, उस समय एक्टिवेट नहीं होते, जैसे आप इंक्रीज होते हैं तो वह डिक्रीज भी उसी स्पीड के साथ होते हैं, तो सडनली ब्रेक मारते जब अगर डिक्रीज नहीं हो रहा तो कंप्यूटर में जाके स्कैन होके वो उसमें इंफॉर्मेशन भेजता है SRS कंप्यूटर में, जिससे थ्रू उसमें जो नाइट्रोजन गैस है वो भर के नायलॉन की एक बैग में फिलअप हो जाती है। तो दोस्तों आजकल एक बहुत ही अच्छा चलने लगा है एयरबैग्स, वो भी साइकिल्स में, जो एक कॉलर तरह का होता है जो आप गले में लगाते हैं और जब आए मूविंग करने के लिए वो चेन टाइप का होता है जहाँ पर लगा देते हैं, उस कॉलर में क्या होता है आजकल कॉलर में सेंसर्स लगे रहे हैं उस कॉलर में, क्योंकि जैसे ही आप सडनली ब्रेक मारते तो उसमें जो वो स्ट्रिप है वो अगर ब्रेक हो जाता है या फिर अगर सडनली ब्रेक या अगर आपको पीछे से आगे से कहीं से लग जाती है तो स्ट्रिप निकल जाता है और आप गिरने से जैसे गिरते हैं तो उसको पूरा एयर बैग है वो आपको पूरा सर को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से आप बच जाते हैं बहुत ही ज़्यादा डैमेज खाने से। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी पर वीडियो आपके लिए लेता हूँ। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।